India Legal presents Courts Roundup. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित उत्पीड़न के मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस जे बी पारदीवाला की खंडपीठ पार्टी के पूर्व सदस्य की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर श्रीनिवास के खिलाफ असम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। असम सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद खंडपीठ सुनवाई अगस्त तक स्थगित करने पर सहमत हो गया। जस्टिस गवई ने शुरू में अंतरिम अग्रिम जमानत देने के अदालत के पहले के आदेश को पूर्ण बनाने का सुझाव दिया। तब उन्हें ये बताया गया कि श्रीनिवास ने निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग किया। हालांकि जब असम राज्य के वकील ने जोर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन देने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया, उसके 2 सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस साल की शुरुआत में असम युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में निशाने पर आए थे। अप्रैल में ट्विटर पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पूर्व महिला अध्यक्ष और जेंडरवादी और अंध राष्ट्रवादी होने और उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। श्रीनिवास पर सार्वजनिक रूप से बोलने के कुछ ही दिनों के भीतर दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अपनी शिकायत में दत्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास ने लगातार लैंगिक टिप्पणी और अपशब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने न केवल श्रीनिवास के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। जब मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने श्रीनिवास को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। खंडपीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाते हुए कहा कि FIR दर्ज करने में लगभग 2 महीने की देरी हुई और ऐसे में याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार। यहाँ तो श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बीबी श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि FIR दर्ज करने में 2 महीने का वक्त लगा, इस लिहाज से अग्रिम जमानत दी गई। श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर कथित छेड़छाड़ का मामला, असम युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से कथित छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, बीवी श्रीनिवास पर यह गंभीर आरोप लगाए गए थे। श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी अब अगस्त महीने में इस याचिका पर सुनवाई होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने श्रीनिवास के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कथित उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। अब इस मामले पर याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त माह में की जाएगी। आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का बीवी श्रीनिवास की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को इस मामले में याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित उत्पीड़न के मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस जे बी पारदीवाला की खंडपीठ पार्टी के पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर श्रीनिवास के खिलाफ असम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। असम सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद खंडपीठ सुनवाई अगस्त तक स्थगित करने पर सहमत हो गया। जस्टिस गवई ने शुरू में अंतरिम अग्रिम जमानत देने के अदालत के पहले के आदेश को पूर्ण बनाने का सुझाव दिया था। जब उन्हें बताया गया कि श्रीनिवास ने निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग किया, हालांकि जब असम राज्य के वकील ने जोर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने
स्थगन देने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया, उसके 2 सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस साल की शुरुआत में असम युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप पर निशाने पर आए थे। अप्रैल में ट्विटर पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पूर्व महिला अध्यक्ष और जेंडरवादी और अंध राष्ट्रवादी होने और उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। श्रीनिवास पर सार्वजनिक रूप से बोलने से कुछ ही दिनों के भीतर दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और चलिए अब हम आपको कल्पेबल होमिसाइड और हत्या के बीच के फर्क के बारे में बताएंगे। दरअसल भारत में होमिसाइड को 2 रूपों में फर्क किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड जो कि इंडियन पीनल कोड की धारा 299 में वर्णित है, और कल्पेबल होमिसाइड जिससे मर्डर का अपराध नहीं बनता, यह इंडियन पीनल कोड की धारा 300 के तहत लगता है। इन दोनों में बहुत कम अंतर है, लेकिन ये अंतर लीगल सिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि फैसला आमतौर पर देना इन मतभेदों पर निर्भर होता है। बुनियादी तौर पर यह फर्क अपराधी के इरादे पर निर्भर करता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है और सेक्शन 300 मर्डर की बात करता है। इन दोनों ही टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आइए आज यही दोनों टर्म्स मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इन दोनों के डिफरेंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंटेंशन। कल्पेबल होमोसाइड में मारने का इंटेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जहां पे मारने का इंटेंशन नहीं है वहां अवेयरनेस हो सकती है कि इसकी वजह से डेथ हो सकती है, और मर्डर में ये नॉलेज होती है कि ये जो मैं कर रहा हूं उससे डेथ होगी ही होगी। हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर दोनों ऑफेंसेस की सजा भी अलग अलग है, जिसके अंडर कल्पेबल होमोसाइड की सजा या तो 10 साल तक जेल में या फाइन या दोनों भी हो सकती है, और मर्डर में डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा भी हो सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दी गई दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली की आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, हम सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला देंगे। सीजीआई ने कहा कि हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। अध्यादेश पर 2 हफ्ते के बाद अब सुनवाई होगी और 400 से ज्यादा लोगों को नौकरी से हटाने के मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, ये महत्वपूर्ण मामला है, बिना सुने हम कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी कर सकते। सीजीआई ने मामले पर नोटिस जारी करने के साथ ही मामले में उपराज्यपाल को पक्षकार बनने की मंजूरी देते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को संशोधित अर्जी दाखिल करने को कहा। कोर्ट इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इस दौरान सभी अपने हलफनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। सिंघवी ने कहा कि इसी अध्यादेश के आधार पर 471 ऐसे लोगों को पद से हटा दिया गया है, जिनमें से कई ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरी दी गई, इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो, जो प्रभावित हैं वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये मांग याचिका में नहीं है, यहां नई बात कही जा रही है। वहीं उपराज्यपाल द्वारा 400 से ज्यादा स्वतंत्र सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को हटाए जाने के मामले पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि याचिका अध्यादेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है और उसके तहत इस नियुक्ति को चुनौती दी जा रही है, इसके लिए वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जबकि इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल नहीं की गई है।
वहीं सिंघवी ने कहा कि इसके लिए अर्जी दाखिल कर देंगे। सिंघवी ने कहा कि उपराज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239AA में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संघीय लोकतांत्रिक शासन की योजना का उल्लंघन करता है। अध्यादेश पर केंद्र का निर्णय मनमाना है। अध्यादेश संवैधानिक पीठ के फैसले को विधायी रूप से खारिज कर देता है या उसकी समीक्षा करता है। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्तियों का एक अनुचित और असंवैधानिक दुरुपयोग है। सिंघवी ने केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राहत अध्यादेश पर नहीं मिले। अध्यादेश पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और 400 से ज्यादा लोगों को नौकरी से हटाने के मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनकी पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 जारी किया था। इस अध्यादेश के जारी किए जाने से केवल 1 सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप। We'll be right back.